Hello everybody, so in the last lecture we have framed Schrodinger's equation for hydrogen atom using spherical polar coordinates. Abhi in this lecture we will find out the solution of Schrodinger's equation for hydrogen atom by the method of separation of variables. Now we know that wave function psi, it depends upon r, theta, phi. तीनों पे डिपेंड करता है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी नाउ व्हाट वी विल अज्यूम दैट वेव फंक्शन साई इट इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस आर थीटा फाई, वेयर आर इज फंक्शन ऑफ स्मॉल आर ओनली, थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, फाई इज फंक्शन ऑफ फाई ओनली. So this is called as method of separation of variables. Wave function psi depends upon r, theta, phi, all three. But यहाँ पे r it depends only on r, theta it depends only on theta, phi it depends only on phi. ठीक है. Now we know that Schrödinger's equation for hydrogen atom in spherical coordinates is given by, ये last time हम लोगों ने frame किया था, आपको वो equation remember करना है. So the equation was sin square theta del by del r square del psi by del r plus sin theta del psi by del theta plus 2m r square sin square theta upon h cross square e plus e square upon 4 pi epsilon 0 r into psi plus del square psi upon del phi square equals to 0. अभी इस इक्वेशन टू, सपोज इस इक्वेशन टू, इसमें क्या करना है, आपको साई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई, आर थीटा फाइ, तो सब्सटीट्यूट करो. सो साइन स्क्वायर थीटा डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, साई के जगह पे मैंने आर थीटा फाइ सब्सटीट्यूट किया. यहां पे भी साई के जगह पे मैंने आर थीटा फाइ सब्सटीट्यूट किया. सेम हियर, यहां पे भी मैंने आर थीटा फाइ सब्सटीट्यूट किया. एंड सेम हियर, हियर ऑल्सो आई सब्सटीट्यूटेड आर थीटा फाइ. मैंने ये जो टर्म है आई शिफ्टेड दिस टर्म टू दिस साइड एंड आई substitute the value of psi as r theta phi. ठीक है. Now see, when we are differentiating with respect to r, we can differentiate r only because that contains the terms of r. But theta and phi, they are the functions of theta and phi. इसलिए we can treat them as a constant when we are differentiating with respect to r. So theta and phi we can take outside the differentiation. So साइन स्क्वायर थीटा, थीटा फाइव मैंने आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन ले लिया. सो आई एम गेटिंग डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ओनली आर विल बी इनसाइड. प्लस साइन थीटा, यहाँ पे व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई विल कीप थीटा इनसाइड बट आर एंड फाइव की टर्म्स मैंने बाहर ले ली. सिमिलरली हियर 2m आर स्क्वायर अपॉन एच कॉर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो सिर्फ साई ही था आर थीटा फाइव, ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो आर. एंड हियर अगेन वेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थाई फाई आई केप द टर्म ऑफ फाई ओवर हियर, लेकिन आर एंड थीटा आई टुक आउटसाइड. नाउ व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट स्टेप, आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय आर थीटा फाई. सो मैं डिवाइड करूंगी आर थीटा फाई से पूरे इक्वेशन को. सो सी यहां पे थीटा फाई विल गेट कैंसल, यहां पे आर विल गेट कैंसल, फाई विल गेट कैंसल, हियर आर थीटा फाई विल गेट कैंसल, एंड हियर आर थीटा विल गेट कैंसल. सो व्हाट आई विल गेट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, दैट इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इज इक्वल्स टू, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन फाइव डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन विच आई गॉट, दिस इज इक्वेशन 3. ठीक है. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, इफ यू विल look at this equation carefully, LHS is function of theta and r. LHS means we have the terms of r, we have the terms of theta, but we don't have the terms of phi. But if you will check RHS, you have the RHS, it is a function of only phi. Yahan pe r bhi nahi hai, theta bhi nahi hai. So in equation 3, LHS is function of r and RHS is function of theta, RHS is function of phi alone. So completely independent of r and theta. So now if, so what we can do here is, since r, theta and phi are independent variables, equation 3 will be valid only if each side is equal to a constant.
सो लेट अस कॉल दिस कॉन्स्टेंट एज एम एल स्क्वायर. सपोज ये कॉन्स्टेंट एम एल स्क्वायर है. सो इक्वेशन थ्री स्प्लिट्स इंटू टू इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर, प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा, प्लस टू एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर. सपोज दिस एल एच एस इट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर एंड आर एच एस दैट इज डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाई फाइव डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर. क्या था इट वॉज दिस ना माइनस वन बाई फाइव डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर. सपोज इट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर एंड सपोज आई शिफ्ट फाइव टू दैट साइड सो आई एम गोइंग टू गेट दिस दैट डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो. सो अभी इक्वेशन फोर को भी मैं क्या करूं कि आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन फोर बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी तो ये साइन स्क्वायर थीटा जाएगा. सो आई विल गेट ओनली वन बाय आर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर. यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी तो एक साइन थीटा जाएगा एंड आई विल गेट वन बाय थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा. और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा जाएगा सो आई विल गेट टू एम आर स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर एंड इट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा मुझे. नाउ what I have done is I shifted this theta term to the other side. So ये वहीं पे रखा, ये भी वहीं पे रखा, this plus this and equals to this minus ये term मैंने shift किया. So that is what I got this equation. Now look at this equation carefully. Suppose this is equation 6. Look at this equation carefully. Here LHS is function of R only and RHS is function of theta only. सो अगेन हम लोग को वैसा ही स्टेप करना पड़ेगा. सो अगेन इन इक्वेशन सिक्स एल एच एस इज द फंक्शन ऑफ आर अलोन एंड आर एच एस इज फंक्शन ऑफ थीटा अलोन. हेंस ईच साइड मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट एंड लेट अस कॉल दिस कॉन्स्टेंट एज एल इन टू एल प्लस वन. सो इक्वेशन सिक्स स्प्लिट्स अप इंटू टू इक्वेशन एल एच एस इज इक्वल टू एल इन टू एल प्लस वन. ये एक हो गया इक्वेशन सेवन एंड आर एच एस इट इज इक्वल टू एल इन टू एल प्लस वन. Now multiply equation 7 by r upon r square. इसको r upon r square से multiply करेंगे. So we will get r upon r square r del by del r square del r by del r plus 2m r square upon h cross square r upon r square e plus e square upon 4 pi epsilon 0 r r upon r square l into l plus 1. तो यहां पे सी दिस आर विल गेट कैंसल हियर आर स्क्वायर विल गेट कैंसल. सो वी विल गेट दिस इक्वेशन वन बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर एंड आई शिफ्टेड दिस टर्म टू दिस साइड. ठीक है तो आई विल गेट माइनस एल इन टू एल प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर और आर मैंने दोनों टर्म से कॉमन ली. यहां पे भी आर है यहां पे भी आर है आई टुक आर कॉमन सो आई एम इक्वल टू जीरो. ठीक है सो आई शिफ्टेड दिस टर्म ओवर हियर और ये टर्म में से मैंने आर कॉमन लिया सो आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन. सपोज दिस इज इक्वेशन नाइन. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन एट बाय थीटा एंड रीअरेंजिंग वी गेट वन बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल्स टू जीरो. ये जो इक्वेशन एट है इसको कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर रीअरेंज किया सो आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन वन बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस एल इन टू. ये आप ये करके देखो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सो इक्वेशन नाइन इज आर इक्वेशन. इक्वेशन नाइन क्या मिला था हम लोगों को ये दिस इक्वेशन इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ आर. सो इक्वेशन नाइन इज आर इक्वेशन. इक्वेशन टेन दिस इक्वेशन इज थीटा इक्वेशन एंड इक्वेशन फाइव जो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर का इक्वेशन भी आया था फाइव आई शो यू दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फाइव दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज फाइव इक्वेशन. सो वी गॉट थ्री इक्वेशन. इक्वेशन नाइन इज आर इक्वेशन इट कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ आर. इक्वेशन टेन इज थीटा इक्वेशन इट कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ थीटा एंड इक्वेशन फाइव इज फाइव इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ फाइव. Each of these equations is an ordinary differential equation and thus our three-dimensional partial differential equation has been reduced to three ordinary differential equations, one corresponding to each variable. And each of these three equations involved give us a quantum number.
तो हम लोगों ने जो इक्वेशन था स्क्रोडिंगर इक्वेशन, उससे हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. सॉल्यूशन में हम लोगों को तीन इक्वेशंस मिले, आर इक्वेशन, थीटा इक्वेशन, पाई इक्वेशन. और नाउ वी विल सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस सो एज टू गेट थ्री क्वांटम नंबर्स. सो देर विल बी थ्री क्वांटम नंबर्स डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. सो मेन एम ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम का क्या है, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. एंड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वी विल नीड थ्री क्वांटम नंबर्स. And these three quantum numbers will be provided by these three equations, equation 9, equation 10, equation 5. So that's all about the solution. Okay? Now in next lecture, we will study quantum numbers. Okay? Now, just now I told that these three equations will give, each of this equation will give us a one quantum number. And so total we are going to get three quantum numbers. And these three quantum numbers will define the state of the electron in hydrogen atom. So in next lecture, we will study about the quantum numbers. Thank you.